नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रजा सिंह। यूपी में सियासी बयानबाजियां एक बार फिर तेज हो गई हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी के धरने में पहुंचे पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी सरकार की नीतियों पर अपनी बात रखी और आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ दल लोगों को डरा रहा है। इस दौरान अखिलेश ने बिना अतीक अहमद का नाम लिए योगी सरकार पर बड़ा हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि लोगों पर जानलेवा हमला करना स्वस्थ लोकतंत्र का परिचय नहीं हो सकता। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर अखिलेश यादव को अचानक से अतीक अहमद की याद कैसे आ गई। देखिए ये रिपोर्ट। 15 अप्रैल 2023, ये वो दिन था जब यूपी में रहने वाले और यूपी को काबू में रखने का सपना देखने वाले माफियाओं के लिए काला दिन था। ये वो दिन था जिस दिन यूपी से माफियाओं ने अपने बस्ते तैयार कर बाहर निकल जाने का प्लान बना लिया था। ये वो दिन था जब माफियाओं को पता चल चुका था कि अब चाहे कुछ हो जाए वो यूपी में आतंक नहीं फैला पाएंगे और अवैध काम और क्राइम दोनों नहीं कर पाएंगे। दरअसल ये वो दिन था जब प्रयागराज में मीडिया के लाइव कैमरों के सामने माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर तीन लोगों ने मार डाला था, जिसके बाद यूपी के माफिया यूपी छोड़ या यूं कहें कि देश छोड़ फरार हो चले थे। आज तक अतीक गैंग के बाकी लोगों का पता नहीं लगाया जा सका क्योंकि वो इस देश में बुलडोजर राजनीति से कांप चुके थे। अब अतीक अहमद की मौत को साल भर से भी ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन फिर भी उनको याद करने वाले सियासतदारों की कमी नहीं है, जैसे कि सपा मुखिया अखिलेश यादव। जी हाँ, इतना समय बीत जाने के बाद एक बार फिर इस मुद्दे पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने खुलेआम योगी सरकार पर हमला बोला है। बुधवार को संसद में पत्रकारों से बातचीत में अखिलेश ने कहा, हमने यूपी में फेक एनकाउंटर देखा है। देश और दुनिया वालों ने कभी लाइव एनकाउंटर नहीं देखा होगा। देश के एक बड़े चैनल पर लाइव किसी की जान ले ली गई। वो शख्स पुलिस कस्टडी में था। माना जाता है कि पुलिस की कस्टडी में आप सबसे ज्यादा सुरक्षित होते हैं। अखिलेश यादव ने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। जो लोग सरकार में हैं, उन्हें सादगी रखनी चाहिए, दूसरे लोगों के सुनना चाहिए, दूसरे लोगों की जान नहीं लेनी चाहिए। जो तस्वीरें और जो वीडियो देखने को मिल रहा है कि जब से सरकार में आए हैं कि उन्होंने दूसरे लोग जो पॉलिटिकल लोग हैं उनके साथ अन्याय करना शुरू किया है, जान लेना, खुली सड़कों पर मारना, उनकी प्रॉपर्टी का नुकसान पहुंचाना, और अगर उनसे जुड़े हुए लोग हैं उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करना, झूठे मुकदमे लगाना। जो जनप्रतिनिधि रहे हैं, जो इलेक्टेड मेंबर्स रहे हैं, उन पे भी जानलेवा हमला करना, ये कहीं भी स्वस्थ लोकतंत्र में और स्वस्थ लोकतंत्र का परिचय नहीं हो सकता है। ये सही है कि कल तक जगन जी मुख्यमंत्री थे, आज वो मुख्यमंत्री हैं। ये जरूर नहीं है कि कल वो मुख्यमंत्री रहें और कल जगन मुख्यमंत्री न बन जाएं। और बुलडोजर का जो कल्चर डेमोक्रेसी में आया है, हम समाजवादी लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। आखिरकार इन सरकार ये कर करके क्या मैसेज देना चाहती है? सरकार क्या डराना चाहती है? लोग खुशी से जुड़े, डर के ना जुड़े। लोकतंत्र की जीत तभी होगी या अच्छा मुख्यमंत्री वही माना जाएगा जो डराए नहीं। और जो डराने वाले लोग हैं वो बहुत दिन सत्ता में नहीं रहते हैं। किसी की जान ले रहे हैं, किसी की प्रॉपर्टी का आप नुकसान कर दे रहे हैं, बुलडोजर चला रहे हैं, ये तो यूपी में भी हमने देखा है। और मैं उस तकलीफ, उस परेशानी को महसूस कर सकता हूं कि यूपी में भी जब बुलडोजर चलता था और न्याय के लिए जब लोग जाते थे, एक कदम आगे देखा है हम लोगों ने, एक कदम इससे आगे देखा जो फेक इनकाउंटर देखा। और शायद दुनिया में, देश में कहीं किसी ने ऐसा नहीं देखा होगा कि लाइव किसी को मार दिया गया हो। देश के बड़े चैनल उस समय लाइव थे, उस समय किसी की जान ले ली गई हो, तब जब वो पुलिस कस्टडी में रहा हो। पुलिस कस्टडी में ये हम मानते हैं कि सबसे सुरक्षित जगह होती है। तो मैं महसूस कर सकता हूं कि जिस तरीके से
इनके वर्कर के साथ अन्याय हो रहा है। हमने अपने बहुत गरीब वर्कर्स को देखा है उत्तर प्रदेश में। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि कभी हम 3 लोकसभा के सांसद थे, हम लोग लड़े, सरकार से नहीं झुके। पर भाईचारा हो, स्वस्थ राजनीति हो। आप देखिए अभी कांवड़ को लेकर के क्या किया था सरकार ने, लेकिन सरकार को पीछे हटना पड़ा। जनता स्वीकार नहीं कर रही है, जनता वायलेंस को पसंद नहीं कर सकती, जनता कभी भी नहीं चाहेगी कि एक दूसरे की जान ले कोई। देखा जाए तो यूपी में बीजेपी सरकार के 7 सालों में सैकड़ों अपराधियों के घर बुलडोजर से ढाए जा चुके हैं। ऐसे में इस बार लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन कराने वाले अखिलेश यादव एक बार फिर इन मुद्दों पर बीजेपी को घेरते नजर आ रहे हैं। अब देखा जाए तो जहां बुलडोजर नीति पर काम कर सीएम योगी ने तहलका मचा दिया, जिसका असर विधानसभा चुनाव 2022 में दिखा, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है, जिसके बाद विपक्ष ज्यादा एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहा है। ऐसे में उपचुनाव भी होने वाले हैं, इसलिए अखिलेश यादव एक बार फिर पुराने मुद्दों को उखाड़ कर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।